हाय, आई एम अनिल कुमार यादव। आज मैं अपने चैनल कैन आई हेल्प यू के माध्यम से आपको यह सिखाऊंगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्सेल शीट में हम शॉर्ट एंड फिल्टर का टैब या ऑप्शन लगाते हैं, हम उसे कैसे रिमूव करेंगे। तो मैंने आपको जैसा कि अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो शॉर्ट एंड फिल्टर का जो टैब है वो कैसे ऐड करते हैं या कैसे लगाते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाना चाहता हूँ कि हम उसे कैसे रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना जो शॉर्ट एंड फिल्टर का लगा हुआ टैब की जो एक्सेल शीट है आप उसे ओपन कीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि सभी रोज पे एक स्क्वायर के बॉक्स बने हुए हैं शोइंग ऑल करके, आप यह आपको सर्च करने के लिए काम आता है ये सभी। तो हम इसे रिमूव कैसे करेंगे, तो इसे रिमूव करने के लिए आप क्या कीजिए, जहां से जहां तक आप इसे आपका यह शॉर्ट एंड फिल्टर का टैब या ऑप्शन लगा हुआ है आप उसे माउस के कर्सर से ड्रैग करके सिलेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप होम होम का जो टैब दिया हुआ है आप होम के टैब पर जाइए। होम के टैब पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर का जो ऑप्शन है आप उसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि फिल्टर का जो ऑप्शन है वह सिलेक्ट हुआ है पहले से ही, तो आप क्या कीजिए उस पर क्लिक करके अनसिलेक्ट कर दीजिए। अब जब वहां पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपका शॉर्ट एंड फिल्टर का टैब बना हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन बना हुआ था, वह रिमूव हो चुका है और अब आपकी शीट पहले जैसी हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। शुक्रिया दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।